नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी, मैं हूं आपके साथ प्रवीण। इंग्लैंड के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दूसरे वनडे में वापसी करते हुए इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 100 रन से मैच को हराया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। रिस टॉपली ने मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए भारत के 6 बल्लेबाजों को आउट किया। रिस टॉपली को इसके लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर किया निराश। 246 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा 9 गेंदे खेलकर बिना कोई रन बनाए टॉपली की गेंद पर विकेट के पीछे आउट हो गए। इसके बाद 9वें ओवर में शिखर धवन 9 रन बनाकर टॉपली का शिकार हुए। चार नंबर पर खेलने आए ऋषभ पंत काश की फुल टॉस गेंद को सीधा मिड ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में मार बैठे। पंत भी अपना खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद अगले ही ओवर में विली की गेंद पर विराट कोहली विकेट के पीछे जॉस बटलर के हाथों कैच आउट हुए। विराट ने 16 रन बनाकर जिसमें 3 चौके लगाए आउट हुए। इस तरह भारत के 4 बल्लेबाज केवल 31 रन पर आउट हो चुके थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने पारी को कुछ देर संभाला और 42 रन की साझेदारी की, लेकिन यह जोड़ी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सूर्य कुमार 27 रन के स्कोर पर टॉपली की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या मोइन अली के गेंद पर बाउंड्री पर खड़े लिविंगस्टोन को कैच दे बैठे। पांड्या ने 29 रन बनाए। इसके बाद जडेजा और शमी ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन एक बार फिर टॉपली ने स्लोअर गेंद पर शमी को फंसाया और भारत को 7वां झटका दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा को लिविंगस्टोन बोल्ड कर भारत का 8वां विकेट गिराया। इसके बाद आखिरी के 2 विकेट टॉपली ने अपने नाम किए और मैच में कुल 6 विकेट लिए। इसके अलावा लिविंगस्टोन, मोइन अली, काश, विली को 1-1 विकेट मिला। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की। गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को 246 रन पर रोका। इंग्लैंड की सलामी जोड़ी ने सदी हुई शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। 9वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए रॉय का पहला विकेट निकाला। रॉय ने 23 रन बनाए। इसके बाद चहल ने अपनी फिरकी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाया और बेस्टो को बोल्ड किया। फिर जो रूट को LBW आउट कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। बेस्टो ने 38 रन बनाए जिसमें 6 चौके लगाए और रूट ने 11 रन। इसके बाद शमी ने कप्तान बटलर को बोल्ड कर इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पे 87 रन कर दिया। इसके बाद कुछ देर बेन स्टोक, जिन्होंने 33 रन बनाए, पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन युजवेंद्र चहल को रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में LBW हो गए और पवेलियन को लौट गए। इसके बाद लियम लिविंगस्टोन कुछ देर मोइन अली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन हार्दिक के ओवर में एक छक्का और चौका मारने के बाद एक बार और हवाई फायर करने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर खड़े श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे। इसके बाद मोइन अली ने विली के साथ मिलकर 62 रन की साझेदारी की और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। 42वें ओवर में चहल ने मोइन अली को जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद साझेदारी को तोड़ा और मैच में अपने नाम 4 विकेट किए। मोइन ने 47 रन की अच्छी पारी खेली। इसके बाद विली बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर को कैच आउट हो गए। विली ने महत्वपूर्ण 41 रन बनाए। इसके बाद काश को प्रसिद्ध कृष्णा ने LBW आउट किया। फिर टॉपली को बुमराह ने बोल्ड कर इंग्लैंड को 49 ओवर में 246 रन पे ऑल आउट कर दिया। भारत की तरफ से चहल ने 4 विकेट लिए और बुमराह, हार्दिक ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं शमी और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिला। 3 मैच की सीरीज का यह निर्णायक मुकाबला अब 17 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जहां दोनों टीम सीरीज को अपने हक में करने के लिए उतरेंगी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।